हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आप देख रहे हैं डेली ऑब्जर्वर्स और मैं हूं प्रणव नंदा। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी तक हमारी रूटीन नॉर्मल चल रही थी, अभी अपने मैंने अपनी क्लास एंड की है, 1 बज रहे हैं। तो गाइस, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम बर्थडे पार्टी के लिए रेडी ही हो रहे थे कि मुझे शिव भैया की कॉल आ गई कि मैं आज फ्री हूँ। हमने 3-4 दिन पहले से शिव भैया को बोल के रखा था कि आप जब भी फ्री होगे हमें बताना, हमने आना है वहाँ पे, एक ब्लॉग बनानी है। तो शिव भैया का कॉल भी उसी दिन आ गया और पार्टी भी उसी दिन थी, तो दोनों क्लैश हो गए हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं शिव भैया के पास, उनकी इज़ुज़ू D-Max को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पार्टी में अनुपम में। तो गाइस, आप बने रहिए, आपके पास शिव भैया के पास जाके मिलते हैं। गाइस, आज हम इज़ुज़ू D-Max का रिव्यू करने जा रहे हैं, आप उसका वॉक अराउंड देखो पहले। तो फ्रेंड्स, वॉक अराउंड के साथ साथ आपको इस कार की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। गाइस, इस कार का नाम इज़ुज़ू D-Max V-Cross है। ये इज़ुज़ू D-Max आपको इंडिया में 7 कलर्स में अवेलेबल मिलेगी। जो ये पर्टिकुलर मॉडल है, इसका प्राइस 20 लाख है। इस कार में हर चीज़ आपको आफ्टर मार्केट ही दिखेगी, मोस्टली हर चीज़ आफ्टर मार्केट है, चाहे हम एक्सटीरियर की बात करें चाहे हम इंटीरियर की बात करें। तो फ्रेंड, जो ये कंपनी है इज़ुज़ू, ये क्लेम करती है कि इनकी कार की ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm है। बाकी हम इस कार के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट टायर्स और अलॉय हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, आपको इस वीडियो में इसकी डिटेल रिव्यू भी दिखेगी, हर चीज़ दिखेगा, लेकिन डिटेल रिव्यू से पहले आप सिनेमैटिक्स इंजॉय। तो फैमिली, अब हम इसका रिव्यू और इसके पार्ट्स बताना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लैटिका अलॉय देख रहे हैं आप और योकोहामा का टायर देख रहे हैं जिसका साइज 275/70R16 है। तो फैमिली, अब हम चलते हैं बोनट पे। बोनट पे मेरे को बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का, ग्लॉसी ब्लैक कलर का एक बोनट स्कूप दिख रहा है जो कि कार की लुक को बहुत एनहांस कर रहा है। फ्रेंड, उसके बाद हमें इस पे आफ्टर मार्केट ग्रिल दिख रही है इज़ुज़ू की रेड बैजिंग के साथ। आप देख सक रहे हैं 2 लाइट्स जो कि दोनों तरफ है बम्पर पे, ये आफ्टर मार्केट लाइट्स हैं और ये रिफ्लेक्टर देख रहे हैं आप जो कि लाइट्स हैं, लाइट्स को ब्लैक कलर में स्मोक करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फॉग लैंप की तरफ। फॉग लैंप इसकी जो उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है लेज़र प्रोजेक्टर जिसकी रेंज है 1.5 किलोमीटर। गाइस, सही सुन रहे हैं आप, इसकी रेंज है 1.5 किलोमीटर। अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। हमें हेडलाइट वही दिख रही है जो कंपनी ने इसमें डाल के दिया। तो फैमिली, आप देख सकते हैं इसके अंदर मिरर जो कि आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर पाया जाता है, तो ये भी लुक को बहुत एनहांस कर रहा है। आप देख सक रहे हैं टायर प्रोफाइल जो है भैया ने बड़ी रखी है, उस कारण ये कार से थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है। गाइस, वी क्रॉस की बैचिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। तो फैमिली, जो ये येलो कलर्स की आप पेयर ऑफ लाइट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रूफ लाइट क्योंकि ये रूफ के ऊपर फिट की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न यही है कि ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को इनक्रीज़ करेगी। आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सक रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। अब हम चलते हैं इसके बैक साइड में। तो गाइस, अभी हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रूफ केज जो कि हैमर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जम्मू में आपको कहीं नहीं मिलेगा, भैया ने ये जम्मू से बाहर जाके लगवाया। अब आप 4x4 की बैचिंग देखिए। तो अब हम आते हैं इसके बैक साइड पे। तो फ्रेंड्स, बैक साइड में हमको ज़्यादातर जो दिख रहा है वो है टेल लाइट्स। फ्रेंड्स, टेल लाइट तो बहुत ही सुंदर लग रही है, ऑन करके आपको एक बार दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे 2 रिफ्लेक्टर जो कि इंडिकेटर का काम भी करते हैं। ये टेल लाइट आपको नेक्स्ट क्लिप में हम जला के दिखाएंगे और आप ये जो टेल लाइट जलती हुई आप हमारे सिनेमैटिक्स में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बैक साइड में एक और एसेसरी है जो कि है टोइंग हुक जो कि हमने बनवाया है बिमरा 4x4 से। इसकी मैपिंग हुई है, BHPO बढ़ाई है इसकी। आई थिंक इस टाइम प्रेजेंट टाइम 170+ दे रही है।
पहले ही इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी इसके ऊपर रीमैपिंग कराई गई है, इसके इंजन की रीमैपिंग कराई गई है जो इसको और पावरफुल बना देगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। जैसे ही हम अंदर आते हैं कार के, सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्यूल टोन का इंटीरियर दिखता है जो कि मैरून कलर है और ब्लैक कलर है। तो गाइज आप देख सक रहे हैं कि कंफर्ट के लिए भैया ने हेडरेस्ट भी लगाया है और आर्मरेस्ट भी लगाया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप अंदर देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना बढ़िया है। फ्रेंड्स इसका गियर नॉब तो सेम है बट इसके अंदर 4x4 नॉब नहीं दिया गया, जैसे कि आप देख सक रहे हैं इसके अंदर एक रोटेशन वाला बटन दिया गया। सेम एज सीट कवर एंड स्टेयरिंग व्हील भैया ने चारों पिलर्स को ड्यूल कलर कराया है रेड और मैरून। भैया ने म्यूजिक सिस्टम को भी बहुत अच्छा टच दिया, पाइनियर के ट्विटर देख सक रहे हैं। उसके बाद आप पाइनियर का डिस्प्ले देख सक रहे हैं जो कि एंड्रॉयड टच डिस्प्ले है। फ्रेंड्स इसके अंदर कंपोनेंट भी पाइनियर के ही फिट किए गए हैं। आप उसके बाद मिरर के साइड में इसमें ट्विटर भी देख सकते हैं, दो एडिशन में इन्होंने ट्विटर लगाए हैं। तो सीट कवर भी बहुत अच्छे जीप के इमेजिंग के साथ। आप पीछे सब वूफर देख सकते हैं जो कि 1000 वॉट का है JBL का। तो फ्रेंड्स पीछे की लेग स्पेस भी बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं एक बार। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं रूफ की तरफ। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इसका जो रूफ है वो मैरून और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। जो मैरून है वो लेदर है और जो ब्लैक है वो वेलवेट है। पूरी कार की थीम ही मैरून और ब्लैक में है। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन बढ़िया कार लग रही है इन दो कलर में। Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my bed. तो फैमिली आप देख सक रहे हैं कितना बढ़िया रोड प्रेजेंस लग रहा है Isuzu D-Max का, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम ए क्लास। तो गाइस अब टाइम आ गया शिव भाई को बाय बोलने का क्योंकि आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।